नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के आज की चर्चा सत्र में आज के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर, और वह मुद्दा है पेट्रोल का। पेट्रोल के मुद्दे पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। हमें ध्यान होना चाहिए, वर्ष 2014 में पेट्रोल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया। पेट्रोल की कीमतें उस वक्त आसमान छू रही थी, लेकिन वह कीमतें रुकी नहीं। सरकार बदलने से पेट्रोल की कीमतें नहीं रुकी, वो आज भी आसमान छू रही है। पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर मिल रहा है देश के बहुत सारे हिस्सों में, और इसके पीछे एक तर्क भी है। वह तर्क यह है कि चूंकि पेट्रोल हम आयात करते हैं, वो हमारा होम प्रोडक्शन, हमारे देश में नहीं उत्पन्न होता, और इसलिए वो इतना महंगा है। इसी तरह पेट्रोल के जो दूसरे उत्पाद है एलपीजी, वह भी उतना ही महंगा है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और एलपीजी लगभग 1100 रुपये का सिलेंडर, एक गरीब से गरीब आदमी भी 1100 रुपये सिलेंडर। सब्सिडी समाप्त हो चुकी है, और यह जानकर हमें हैरानी हो सकती है कि पेट्रोल पर 100% उनकी 100% से ज्यादा 110 या 120% यानी जो पेट्रोल हम 100 रुपये में ले रहे हैं उसकी कीमत 45 रुपये के आसपास होगी, बाकी सारा हम टैक्स भर रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल क्यों, और क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्यों हम विवश हैं विदेशों से पेट्रोल आयात करने के लिए, अरब देशों से, फिर अभी बीच में रसिया से, यानी हम कहीं ना कहीं से पेट्रोल आयात कर रहे हैं। मैं यह जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारे पड़ोस के छोटे छोटे देश वो पेट्रोल स्वयं निकाल रहे हैं, उन इलाकों से निकाल रहे हैं जो इलाके पेट्रोल से भरे हुए हैं, वो हमारे पड़ोस में है, हमारे भारत के पड़ोस में, भारत के क्षेत्र में भरपूर पेट्रोल और नेचुरल गैस है, वो हम निकाल नहीं पा रहे। क्या कारण है, कहाँ है वो पेट्रोल, कहाँ है वो नेचुरल गैस? तो वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश कपूर जी का दावा है, स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता सूर्य प्रकाश कपूर जी, उनका दावा है कि यदि भारत ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो संसाधन भारत को मिला हुआ है उसका दोहन किया, शोषण नहीं कर रहा हूं मैं, दोहन किया, तो न केवल भारत की आवश्यकताएं उससे पूरी होंगी, वो पूरे विश्व की आवश्यकताएं पूरी कर सकते। उससे इतना पेट्रोल निकलेगा कि हम 100 रुपये नहीं 5 रुपये लीटर पेट्रोल देने में सक्षम होंगे, हम 200 रुपये में एलपीजी देने में सक्षम हो जाएंगे। प्रोसेसिंग फीस ही तो लगेगी, निकालने का ही तो खर्च लगेगा, और वो भी निर्यात करने से वह भी पूरा हो सकता। तो इतना यदि वो बड़ा भंडार है तो वो हम उसका दोहन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता सूर्य प्रकाश कपूर। प्रकाश कपूर के पास एक अलग विज्ञान की दृष्टि है। विज्ञान हम सभी पढ़ते हैं लेकिन अंधविश्वास की तरह पढ़ते हैं हम, उसमें वह तार्किकता और वह जिज्ञासु भाव नहीं आता हमारे अंदर, हम वो फार्मूले जो रखते हैं और उस पर हम काम करते हैं, लेकिन जो एक विज्ञान वृत्ति जगनी चाहिए हमारे अंदर वह नहीं जगती। वह वृत्ति अनुसंधान वृत्ति या प्रकाश कपूर में दिखाई देगी। सूर्य प्रकाश कपूर के बारे में एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, उन्होंने सुनामी को रोकने के उपाय ढूंढे थे। यह दुर्भाग्य है कि ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के चक्कर में उस पर भारत में अनुसंधान नहीं हुआ, और जहां बाद में अनुसंधान छोटा सा हुआ भी जिस प्रकार से वो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उनको हटा कर हुआ वो विचार उन्होंने दिया, उनको माइनस करके ब्यूरोक्रेसी ने किया, इसलिए वो असफल भी रहा। तो उनके पास बहुत अद्भुत विचार है विज्ञान को लेकर और विज्ञान की तकनीकों को लेकर। हम आज सुनते हैं उनसे कि कैसे भारत के पास कहाँ है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार जिसका दोहन करके भारत फिर से विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। सन 1853 में बर्मा ने, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल जिसको साफ करके पेट्रोल बनता है, 1853 में म्यांमार बर्मा जो है वो अपना पहला केनी बैरल जो है क्रूड ऑयल का जमीन के अंदर से निकालता है, और 1885 में इंडोनेशिया की धरती से
1885 सन में क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, 1885 में इंडोनेशिया की जमीन से तेल निकलना शुरू होता है। इंडोनेशिया और म्यांमार बर्मा के बीच में अंडेमान है, अंडेमान निकोबार आइलैंड्स, यह हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज 2023 सन आ गया है, यानी कि बर्मा ने 1853 में तेल निकाला, कितने साल हो गए, 47, 350 और 20, 70 नहीं 170 साल पहले बर्मा ने तेल निकालना शुरू किया और 1885 के बाद 15, 23, 38 138 साल पहले इंडोनेशिया ने तेल निकालना शुरू किया और इन दोनों के बीच में अंडेमान है जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमने अभी तक एक बूंद तेल नहीं निकाला। मैं नरेंद्र मोदी जी से सीधा प्रश्न करता हूं, मैं हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर से सीधा प्रश्न करता हूं कि हमारे पड़ोसी देश, जब मैं पड़ोसी देशों का नाम लेता हूं तो म्यांमार और इंडोनेशिया से मतलब है, इस वक्त मैं चीन और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हमारे पड़ोसी देशों ने 150 साल पहले से तेल निकालने शुरू कर दिया और हमने अंडेमान और निकोबार से एक बूंद तेल का नहीं निकाला। कौन सा विकास हो रहा है? देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जिन कंपनियों ने बर्मा, म्यांमार और इंडोनेशिया में तेल निकालने का काम शुरू कर रखा है, उन कंपनियों के साथ अभी तक हमने उनको अंडेमान से तेल निकालने का कोई एमओयू साइन नहीं किया। रही बात ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसको तो झूठा मूठा ये लोग नवरत्न कंपनी, प्राइड ऑफ इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ओएनजीसी को शर्म आनी चाहिए कि अंडेमान से एक बूंद तेल का नहीं निकाल पाई अभी तक, और बड़ी बड़ी शेखियां मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन 1970 में इसकी स्थापना हुई, आज 53 साल हो गए हैं इसको बने, मगर अंडेमान से एक सिलेंडर गैस का या एक बैरल क्रूड ऑयल का नहीं निकाल पाए। ये लोग क्यों नहीं निकालते? आपको मालूम होगा आज से करीब 15 साल पहले पूरे विश्व के, जिसमें अमेरिका भी था, पूरा यूरोप था, पूरा हिंदुस्तान था, इनके वैज्ञानिकों ने शिप्स लेके, इंस्ट्रूमेंट्स लेके, टूल्स लेके, सारा विज्ञान का साजो सामान लेके इंटरनेशनल गैस हाइब्रिड एक्सपेडिशन अंडेमान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीन बार इन लोगों ने गैस हाइब्रिड एक्सपेडिशन किया अंडेमान में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो गूगल के ऊपर अवेलेबल है। उसमें उन्होंने माना कि अंडेमान में गैस हाइड्रेट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। अब बताइए, जो गैस हाइड्रेट होता है वो दो चीजों को मिलकर बनता है, एक तो नेचुरल गैस, जैसा कि गैस शब्द कहता है, हाइड्रेट का मतलब पानी, जो समुद्र का पानी है, जो बंगाल की खाड़ी का पानी है। पानी और नेचुरल गैस मिलके बबल्स बनते हैं, जैसे कि आपने आपके रेफ्रिजरेटर में प्लास्टिक के पानी के क्यूब्स होते हैं जिनके अंदर की ठंडक से पानी बर्फ बन जाता है, फिर आप अपने गर्म पानी के गिलास, रूम टेम्परेचर के पानी के गिलास में डाल देते हो क्यूब को, तो ठंडक पानी को मिल जाती है, वो वापस फिर प्लास्टिक के अंदर पानी बन जाता है। ठीक इसी तरीके से गैस हाइड्रेट के बबल्स होते हैं, उनके अंदर गैस होती है। जिस जगह गैस हाइड्रेट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है अंडेमान में, यह यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट कह रही है।
उस गैस हाइड्रेट के भंडार के ठीक नीचे गैस का भंडार होता है। नीचे से गैस गैस हल्की होने की वजह से गैस का भंडार जो होता है उसमें से गैस विश्व उसके ऊपर की तरफ आती है। ऊपर बंगाल की खाड़ी का पानी जो है बहुत बड़ा प्रेशर है, कई किलोमीटर लंबा कॉलम है पानी का, उसके प्रेशर से गैस हाइड्रेट के बबल्स बन जाते हैं। तो गैस हाइड्रेट के बबल्स का भंडार जो होता है वो गैस के भंडार और पानी के भंडार के बीच में सैंडविच हुआ रहता है। ये बात उसी वक्त निकल के आ गई जब इंटरनेशनल गैस हाइड्रेट अंडेमान, इंटरनेशनल गैस हाइड्रेट एक्सपेडिशन वन हुई, सेकंड हुई, थर्ड हुई, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने पूरे विश्व के आगे डिक्लेयर कर दिया कि विश्व में सबसे बड़ा गैस हाइड्रेट का भंडार अंडेमान निकोबार में है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, उसकी इंप्लीकेशन क्या है कि गैस हाइड्रेट के भंडार के ठीक नीचे अंडेमान निकोबार में विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, क्योंकि नेचुरल गैस के भंडार के बिना गैस हाइड्रेट नहीं बन सकता। गैस हाइड्रेट जैसा मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल का पानी और नीचे के गैस गैस के भंडार से, नेचुरल गैस के भंडार से, दोनों के मिक्सचर से, मिश्रण से बनता है। उसके बाद यह भी डिक्लेयर कर दिया गया मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार में कि सन 2008 से अंडेमान में कमर्शियल गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। 2008 में कमर्शियल गैस प्रोडक्शन अंडेमान से शुरू होनी थी, आज 2023 आ गया, गवर्नमेंटें बदल गई, पार्टियां बदल गई, यूपीए चल गई, एनडीए आ गई, मनमोहन सिंह चला गया, नरेंद्र मोदी आ गया, मगर अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन गैस की क्यों नहीं शुरू हुई? ये मेरा प्रश्न नरेंद्र मोदी से सीधा है, हरेंद्र पुरी से सीधा है, धर्मेंद्र प्रधान से सीधा है। मैंने कुछ दिन पहले बिरप्पा मोइली को फोन किया कर्नाटका में, बेंगलोर में, मैंने यही प्रश्न उनके आगे रखा। मैंने कहा आप तो बहुत ईमानदार पेट्रोलियम मंत्री थे यूपीए सरकार के, आप तो कहा करते थे मिडिल ईस्ट वाले पैसा लेने के बावजूद हिंदुस्तान को नखरे से तेल देते हैं, आपकी सरकार के दौरान जब यह डिसाइड हो गया कि 2008 में कमर्शियल प्रोडक्शन नेचुरल गैस की अंडेमान से शुरू हो जाएगी, तो अभी तक एक सिलेंडर गैस का क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? जैसे ही मैंने ये प्रश्न रखा, द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं, यह कहकर टेलीफोन छोड़ के भाग गए। थोड़ी देर में उनका प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रिगरी रॉबर्ट मुझे कॉल करता है, बताइए साहब, मुझे बताइए। मैंने यही प्रश्न उनके आगे रख दिया। उन्होंने कहा आप एक, मैं ईमेल आईडी भेजता हूं, आप उसके ऊपर एक नोट भेज दीजिए। मैंने कहा ईमेल आईडी की जरूरत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने सारा मटेरियल भेज दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई है, 2024 का इलेक्शन सिर पे आ गया है, आप अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में लिखिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर भाजपा हारती है 2024 में, तो हम अंडेमान निकोबार से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकाल के पहले तो हिंदुस्तान को सप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितना भी हाइड्रोकार्बन का खजाना है उससे बड़ा खजाना अंडेमान निकोबार में है। हमारे देश से हर साल 15 लाख करोड़ रुपया हाइड्रोकार्बन्स की इंपोर्ट के लिए मिडिल ईस्ट के सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, अब यूक्रेन की लड़ाई के बाद रशिया आ गया, बीच बीच में अमेरिका से भी तेल लेते थे। मुझे समझ नहीं आता हमारे देश के प्रधानमंत्री को 15 लाख करोड़ रुपए से क्या दुश्मनी है। मैंने टेलीविजन पर बार बार बोला, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से 2-3 बार मिला, मैंने कहा क्या जरूरत है इतना बड़ा 1/3 GDP आप कंट्री का उठा के हाइड्रोकार्बन की एक्सपोर्ट में
इंपोर्ट में दे देते हो, जबकि वही हाइड्रोकार्बन हम वहां अंडमान से निकाल सकते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आनगाम का सिद्ध, क्यों भाई, क्या कमीशन मिलता है? 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की लुट जाती है, 15 लाख करोड़ रुपया उठा के आप विदेशियों को दे देते हो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के लिए। आगे से क्या बोलते हो, हम ईरान से एक सुरंग खोद के पाकिस्तान से लाते हुए हम हिंदुस्तान में गैस इंपोर्ट करेंगे। क्या जरूरत है सुरंग खोदने की, सुरंग तो पड़ी है वहां पे अंडमान में, जाओ जाके निकाल लो ना। कभी कहते हैं रशिया से आएगी सुरंग, भाई जो चीज आपके अपने कंट्री में आपके भगवान ने आपको आपकी अपनी गोद में दे रखी है उसकी तरफ पीठ की हुई है, क्या तकलीफ है आपको, आपको वो दिखाई नहीं देता? ईरान से सुरंग खोदने को तैयार हो, रशिया से पाइप निकालने को तैयार हो, अंडमान निकोबार में जो गैस का भंडार, जो क्रूड ऑयल का भंडार है, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खास आदमी हैं मेरे से वार्तालाप करते हैं, मैंने कहा कि जिन कंपनियों ने इंडोनेशिया में पिछले 150 साल से तेल निकाल रही हैं, गैस निकाल रही हैं, वही कंपनियां म्यांमार में निकाल रही हैं पिछले 150 साल से, आप उन्हीं कंपनियों को ठेका दे दो अगर आपकी ONGC के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ना तो ONGC तेल निकालेगा और ना विदेशी कंपनियों को तेल निकालने देगा, क्यों, क्योंकि कंट्री का पैसा लुटता है, लुटने दो, ONGC को भी कमीशन मिलता होगा, पूरे देश का ये मानना है। कंट्री का हर साल 1/3 GDP चले जाए विदेश में और प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के कान पे जूं तक न रहेंगे और सारा दिन नारे लगाते रहते वंदे मातरम भारत माता की, क्या, अरे भारत माता के लोगों का पैसा आंखें मूंद के हाइड्रोकार्बन की इंपोर्ट में खर्च देते हो, ये कैसा देश प्रेम है, ये असली है कि नकली है? बहुत जोर लगाया, बहुत शोर मचाया, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन जिसका ऑफिस नोएडा में है उसने उठा के डेटा जो था सीजमिक सर्वे का डेटा 1D, 2D, 3D उठा के वेबसाइट पे डाल दिया। हरदीप सिंह पुरी जी ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दी, क्या कहा कि सन 2025 में एक्सोन मोबिल शेल वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका इंग्लैंड की इंडोनेशिया और म्यांमार से तेल निकाल रही हैं, उन कंपनियों को हम 2025 में अंडमान से तेल और गैस निकालने के लिए MOU साइन कर देंगे। क्यों भाई, 2025 तक जो 2024 में पैसा जाना है, 2023 में पैसा जा रहा है, कितना पैसा है, 30 लाख करोड़, क्या ये पैसा बचा नहीं सकते आप? आप इतने सुस्तीवाम क्यों बने हुए हो? 2025 में करेंगे ताकि उस झांसे में 2024 का इलेक्शन जो है देश की जनता हमें फिर जो वोट दे दे, क्योंकि 2025 में हम तेल निकाल देंगे, तो 2023 में क्यों नहीं MOU साइन करते? ये काम वार फुटिंग पे होना चाहिए, इसको 1.5 साल क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है? हरदीप सिंह पुरी जी जवाब दो मेरे सवाल का, नरेंद्र मोदी जी जवाब दो, धर्मेंद्र प्रधान जी 7-8 साल आप भी पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं, मैंने आपसे 3 भेंट की हैं, 2 भेंट मैंने 11 अशोक रोड पे की थी, 1 हमारी रोड पे आपके घर पे भी की थी। कौन सा देश है, कौन सा देश बनता है, किसको देश की करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज से प्यार है, वो मुझे इस बात का जवाब दे। ना बप्पा मोहाली के पास जवाब है, ना हरदीप सिंह पुरी के पास जवाब है, ना नरेंद्र मोदी के पास जवाब है। 2024 का इलेक्शन पूरा राष्ट्र पूछेगा, देश का 140 करोड़ पॉपुलेशन पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी जब देश का 1/3 GDP हाइड्रोकार्बन की इंपोर्ट में जा रहा था उस वक्त आप कौन से देश से इनाम ले रहे थे? देश लुट रहा है,
नरेंद्र मोदी जी को देश विदेश की यात्रा से फुर्सत नहीं है। अगर उनमें देशभक्ति है, जो कंपनियां इंडोनेशिया और बर्मा में पिछले 150 साल से तेल और गैस निकाल रही हैं, उन कंपनियों के साथ ओवरनाइट एमओयू साइन होना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी जी कान खोल के सुन लो, 2024 के इलेक्शन से पहले पहले वार फुटिंग पे अंडमान से गैस निकलनी चाहिए, क्रूड ऑयल निकलना चाहिए और देश की रिक्वायरमेंट पूरी करके कंट्री में 1100 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। कितने दुख की बात है, गरीब आदमी को खून पीते हो आप लोग। मैं माल वर्मा इतनी गैस निकालता है कि वो अपने कंट्री की गैस रिक्वायरमेंट पूरी करके चाइना को कई बिलियन डॉलर की गैस एक्सपोर्ट करता है। क्या म्यांमार बर्मा हिंदुस्तान से बड़ा कंट्री हो गया? अगर वो हाईटेक कंपनियों से ये काम करवा सकता है तो उन हाईटेक कंपनियों से हम 2025 में ये काम क्यों करवाएंगे, 2023 में क्यों नहीं करवाते? क्या 2024 का इलेक्शन जीतने की शंका है कि पता नहीं जीते या ना जीते, जाते जाते जितनी कमीशन खानियां इकट्ठी करनी करके चलते बने, 2025 का इलेक्शन देखेंगे फिर झांसा दे देंगे देश की जनता को, हाँ हम काम कर रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी के राज में और सन 2004 से जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, इन दोनों गवर्नमेंटों से यूपीए 1-2 नरेंद्र मोदी 1-2 इन दोनों से पूछा जाए कि छोटे छोटे कंट्री 150 साल से तेल और गैस निकाल के अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करके विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडोनेशिया ओपेक का मेंबर था, 1960 में ओपेक का मेंबर बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या इंडोनेशिया हिंदुस्तान से ज्यादा रिसोर्सफुल है, ज्यादा बड़ा कंट्री है? क्या म्यांमार हिंदुस्तान से ज्यादा रिसोर्सफुल है? शर्म की बात है, ये फर्जी देशभक्ति कब तक चलेगी? एक तरफ पता नहीं देशभक्ति के कितने गाने गाते हैं और दूसरी तरफ जब अंडमान और निकोबार से तेल और गैस निकालने की बात आती है तो नींद आ जाती है। जिन कंपनियों ने 2025 में एमओयू साइन करना है, जो कंपनियां इंडोनेशिया और म्यांमार से तेल निकाल रही हैं उन्हीं के साथ एमओयू साइन होना है। वो एमओयू साइन जो है आज जुलाई 2023 है, 15 अगस्त से पहले पहले साइन हो जाना चाहिए। लाल किले से स्पीच तब देना नरेंद्र मोदी जी जब एमओयू साइन हो जाए। देश का 15 लाख करोड़ रुपया हर साल जाता है, उस 15 लाख करोड़ रुपए को पहले बचाओ फिर लाल किले पे आके 1.5 घंटा स्पीच देना, वरना आपको कोई अधिकार नहीं देश को झूठे वादे करने का।